Hello, Bacho. let's read the question. The question says two food chains are shown. First, tree, aphid, insectivorous bird, prey feed on bird. Second, food chain, phytoplankton, zooplankton, plankton feeding fish. कार्निवोरस फिशेस विच डायग्राम इज़ अ पिरामिड ऑफ एनर्जी रिप्रेजेंटिंग बोथ फूड चेन्स। क्वेश्चन में हमें फोर ऑप्शन दिए हैं जिनमें इकोलॉजिकल पिरामिड्स को डिपिक्ट किया गया है हमसे पूछा गया है कि इन दोनों फूड चेन्स के लिए सैटिस्फाई करने वाला कौन सा है पिरामिड ऑफ एनर्जी तो हमारे पास इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा की कॉन्सेप्ट यूज होगा ये की कॉन्सेप्ट होगा हमारा पिरामिड ऑफ एनर्जी तो पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या होता है ये होता है एक ऐसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जिससे हमें एनर्जी के बारे में पता चलता है ऑफ द डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स तो इट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनर्जी एट different at different trophic levels. अब जो हमारे पास food chains दी गई हैं, ये कौन-कौन सी food chain हैं? First है हमारी एक land food chain, जिसमें producers हैं हमारे trees, trees पर aphids feed कर रहे हैं, next aphids पर insectivorous birds feed कर रहे हैं, अब insectivorous birds पर प्रे फीड कर रहे हैं एंड सेकेंड फूड चेन है हमारी एक एक्वेटिक फूड चेन जिसमें प्रोड्यूसर्स है फाइटो प्लांगटॉन्स फाइटो को कंज्यूम कर रहे हैं जू नेक्स्ट जू के बाद प्रेजेंट है हमारे प्लांगटॉन्स पर फीड करने वाले फिशेस एंड देन फिशेस को फीड करने वाले प्रेजेंट है हमारे पास कार्निवोरस फिशेज अब इन फूड चेंस में एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल और जब एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है तो जो प्रोड्यूसर्स होते हैं हमारे इन प्रोड्यूसर्स के पास प्रेजेंट होती है मैक्सिमम एनर्जी एंड जैसे जैसे एनर्जी का ट्रांसफर होता है टू द सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स अबाउट नाइन्टी परसेंट ऑफ द एनर्जी इज़ लॉस्ड एज हीट एंड ओनली टेन परसेंट एनर्जी का यहाँ पर ट्रांसफ़र होता है तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारा जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है पिरामिड ऑफ एनर्जी है ये पिरामिड बनता है हमेशा एक अपराइट पिरामिड अपराइट पिरामिड यानी के जो प्रोड्यूसर्स होते हैं एट द एट द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इन प्रोड्यूसर्स के पास प्रेजेंट होती है मैक्सिमम एनर्जी एंड देन जब फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल से हम सेकेंड ट्रॉफिक लेवल की तरफ बढ़ते हैं तो ट्रॉफिक लेवल में प्रेजेंट होती है स्लाइटली लेसर एनर्जी सेकेंड ट्रॉफिक लेवल से जब हम थर्ड ट्रॉफिक लेवल तक पहुंचेंगे तो इनमें और कम एनर्जी प्रेजेंट होगी यानी इस तरीके का पिरामिड होता है एक अप राइट पिरामिड तो हमारे पास जो तो ऑप्शन है इनमें से ऑप्शन सी होगा हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर बाकी के ऑप्शन हमारे रॉन्ग हो जाएंगे बिकॉज ये एनर्जी ऑफ पिरामिड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं फॉर बोथ ऑफ दी फूड चीज आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट बेस्ट ऑफ लक थैंक यू